दिल्ली के बाद अब आगरा में यमुना अपना जल स्तर से लोगों को डरा रही है और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में ताजमहल के बिल्कुल जो पीछे मेहताब बाग है, जिसे ताज व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, उसमें मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताजमहल की बाउंड्री वॉल तक पानी पहुँच गया और ये मेहताब बाग है। अब पर्यटकों का यहाँ पर आना प्रशासन ने बंद कर दिया है। जब तक यमुना का पानी का जो जल स्तर है वो नीचे नहीं जाता, तब तक इसे बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। किसी भी पर्यटक को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासियों के द्वारा कहा जा रहा है कि 1978 में एक बार ऐसी बाढ़ आई थी जब ताजमहल की बाउंड्री वॉल तक यमुना का जलस्तर पहुंच गया था और उसके लगभग 45 साल के बाद अब दूसरी बार ऐसे हालात हुए हैं कि यमुना का जो जलस्तर है ताजमहल की बाउंड्री वॉल तक पहुँच गया और मेहताब बाग जो सेल्फी पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, वहाँ तक पहुँच गया है। तो ऐसे में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं और ताजमहल के पीछे के जो गाँव है वहाँ पर फसलें भी, कई सारी फसलें जो कई बीघा फसलें हैं वो जलमग्न हो गई हैं और लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।